की तमन्ना है तो पहले से मरना सीखो, और हर एक दाव में हंस हंस के उभरना सीखो। हाँ, जो उम्मीद तो दुनिया में है सब कुछ हासिल, और मदद खुद अपनी अपने हाथ से करना सीखो। कि हमारे भीम सा साली जमाने में नहीं मिलता, और रतन ऐसा है जैसा के खजाने में नहीं मिलता। तो लीजिए एक गीत बाबा साहब अंबेडकर जी का है। और बहाया था जो खून बाबा ने पहले, ला 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 बहाया था जो बाबा ने पहले, बहाया था जो खून बाबा ने पहले, उसी खून का आज ये रंग बोलता है। बहाया था जो खून बाबा ने पहले, ला 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 ला। बहाया था जो खून बाबा ने पहले, बहाया था जो खून बाबा ने पहले, उसी खून का आज रंग बोलता है। बहाया था जो खून बाबा ने पहले, ला 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 ला। किया तुमने संघर्ष बचपन में जारी, किया तुमने संघर्ष बचपन में जारी, जवानी में कर डाला पूरी तैयारी। या तुमने संघर्ष बचपन में जारी, जवानी में कर डाला पूरी तैयारी। गए रूप जापान लंदन वेरिस, गए रूप जापान लंदन वेरिस, सबसे अलग उनका ढंगी बोल लंदन बमेरिस, सबसे अलग उनका ढंग बोलता है। बहाया था जो बाबा ने पहले, उसी खून का आज रंग बोलता है। बहाया था जो बाबा ने पहले, किया तुमने संघर्ष बचपन में जारी। क्या बात है, किया तुमने संघर्ष बचपन में जारी, और जवानी में कर डाला पूरी तैयारी। गए रूस जापान लंदन वेरिस, गए रूस जापान लंदन वेरिस,
सबसे अलग ही उनका डग बोलता है रूप का पान लल सबसे अलग ही उनका डग बोलता है रूप का पान लल लल सबसे अलग ही उनका डग बोलता है पाया कदू बाबा ने तो बाबा साहब को 36 डिग्रियों का ज्ञान था और गीत में हर बात 14 की विद्याएं 14 थी बाबा के अंदर छुपाए रतनी जैसे 14 समंदर समंदर में भी 14 रत्न जैसे निकले थे उसी तरह बाबा साहब भीमराव पलटा हुए विद्याए 14 थी बाबा के अंदर छुपाए रतन जैसे 14 समंदर जन्मे तो तारीख और जब पैदा हुए तब भी 14 अप्रैल था जन्मे तो तारीख 14 पड़ी थी जन्मे तो तारीख 14 पड़ी थी भाई भी 14 का अभी बोलता है जन्मे तो तारीख 14 पड़ी थी भाई भी 14 का अभी बोलता बाबा ने मेरे उसी खून का आज रंग बोलता है बहाया था तो बाबा ने मेरे उसी खून का आज रंग बोलता है बहाया था तो बाबा ने मेरे ला 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 La 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 क्या बात है और बाबा साहब अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे ये भी बात 14 में सम्मिलित है और बाबा साहब ने हमारे ही लिए नहीं पूरे भारत के लिए जाने क्या से क्या नहीं कर डाला भारत का संविधान बनाकर पूरे भारत देश को सुधार कर इतना बड़ा काम किया इतना बड़ा उपकार किया लेकिन एक बात कहना चाहूँगा सिर्फ बात में तर्क है कि राम ने जिनका शिलान्यास हुआ है बहुत से लोग मानते हैं सारे लोग मानते हैं लेकिन पूरी रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ एक नारी का उद्धार किया था जो कि अहिल्या थी और बाबा साहब ने सभी नारियों का उद्धार किया वोट देने का अधिकार ये जो पेन है ये बाबा साहब की देन है ये जो दौलत है बाबा साहब की बदौलत है यानी जाने जो भी है ये सब बाबा साहब की देन है कहना है ला 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 ला
है जुर्म हंस हंस के उस बेखतानी। बाबा साहब के चार बेटे थे और जिस वक्त उन्हें लंदन पढ़ाई में जाना था, उनका बेटा मरा हुआ था लेकिन उनकी मिट्टी देने को नहीं पाए। आज हमारे बीच का आदमी उनका नाम लेने में कतराता है। सहे जुर्म हंस हंस के उस बेखता ने उठाया है हम सबको उस देवता ने। सहे जुर्म हंस हंस के उस बेखता ने उठाया है हम सबको उस देवता ने। सभी करते श्रद्धा के बाबा पूजा। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, अगरबत्ती सुलगाओ। बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़ो और देखो और करो, कुछ कर ना सको तो बोलो, कुछ बोल ना सको तो दौड़ो। कहे जुर्म हंस हंस के उस बेखता ने उठाया है हम सबको उस देवता ने। सभी करते श्रद्धा से बाबा की पूजा। सभी करते श्रद्धा से बाबा की पूजा। यही यज के गौतम का ढंग बोलता है। सभी करते श्रद्धा से बाबा की पूजा। यही यज के गौतम का ढंग बोलता है। बाहर जाता तो बाबा ने पहले उसी खून का रंग बोलता है। बाहर जाता तो बाबा ने पहले उसी खून का रंग बोलता है। बाहर जाता तो बाबा ने पहले बहाया था जो खून बाबा ने पहले उसी खून का रंग बोलता है। सभी करते श्रद्धा से बाबा की पूजा। सभी करते श्रद्धा से बाबा की पूजा। यही यज्ञ गौतम का ढंग बोलता है। सभी करते श्रद्धा से बाबा की पूजा। यही यज्ञ गौतम का ढंग बोलता है। सभी करते श्रद्धा से बाबा की पूजा। यही यज्ञ गौतम का ढंग बोल। प्रेम से बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की।